डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री के संबोधन से एक बार फिर दुनिया का ध्यान जमीन की कमजोर होती सेहत की तरफ गया है। स्टॉप, प्रधानमंत्री ने दुनिया के तमाम देशों को आगाह किया कि अगर भूक्षरण और मरुस्थलीकरण को मिलकर रोकने का प्रयास नहीं किया गया कौमा तो इससे आने वाले समय में गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। स्टॉप, पर्यावरण और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक लंबे समय से इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते रहे हैं। स्टॉप, मगर विकास परियोजनाओं को दी जाने वाली अंधाधुंध मंजूरी और कृषि उत्पादन बढ़ाने की होड़ में अतार्किक ढंग से रसायनों कौमा उर्वरकों तथा प्रसंस्कृत जीन वाले बीजों के उपयोग पर लगाम लगाने का कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया जा सका है। स्टॉप, यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि विकास परियोजनाओं के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई की वजह से भूक्षरण की समस्या बढ़ी है। स्टॉप, इससे जमीन के जल सोखने की क्षमता काफ़ी कम हुई है। स्टॉप, मगर औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के मकसद से नए कल कारखानों को मंजूरी देते समय पर्यावरणीय तकाजों को लगातार नज़रअंदाज किया जाता रहा है। स्टॉप, तमाम देशों ने अपनी औद्योगिक नीतियों में पर्यावरणीय नियम कायदों को काफ़ी लचीला बना दिया है। स्टॉप, भारत ने भी नए उद्योगों के लिए पर्यावरणीय बाधाओं को काफ़ी हद तक दूर कर दिया है। स्टॉप, पैरा, खेती योग्य जमीन के बड़े हिस्से के बंजरीकरण का एक बड़ा कारण जीन प्रसंस्कृत बीजों का बड़े पैमाने पर उपयोग है। स्टॉप, भारत जैसे देशों में पारंपरिक तरीके से बीजों के प्रसंस्करण किए जाते थे कौमा पर उनसे फसल की पैदावार अधिक नहीं होती थी। स्टॉप, इसलिए जीन प्रसंस्कृत बीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। स्टॉप, इसके लिए भारत में कई कृषि अनुसंधान केंद्र खोले गए कौमा जिनके प्रसंस्कृत बीज भारतीय वातावरण के अनुकूल होते थे। स्टॉप, उनसे पैदावार भी अच्छी होती थी। स्टॉप, मगर जब विदेशी बीज और उर्वरक कंपनियों के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया कौमा तो उन्होंने लगभग पूरे देश की खेती किसानी पर कब्जा कर लिया। स्टॉप, उनके जीन प्रसंस्कृत बीजों को उगाने के लिए अधिक उर्वरकों और रसायन की जरूरत पड़ती है। स्टॉप, यही नहीं कौमा वे पारंपरिक बीजों की अपेक्षा अधिक पानी की मांग करते हैं। स्टॉप, जीन खेतों में ये बोए जाते हैं कौमा हर साल उसकी उर्वरता क्षरित होती जाती है। स्टॉक, जाहिर है कौमा किसानों को उर्वरकों कौमा रसायनों और पानी की मात्रा बढ़ाती रहनी पड़ती है। स्टॉक, इस तरह खेतों का बंजरपन बढ़ रहा है। स्टॉप, ऐसे बीजों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग लंबे समय से उठती रही है कौमा, मगर इस दिशा में कदम नहीं उठाए जा सके हैं। स्टॉप, पैरा, इसके अलावा हर साल बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना कौमा हरित क्षेत्रों का उजड़ते जाना और मरुस्थल का विस्तार जारी है। स्टॉप, इसे रोकने के लिए दुनिया के तमाम देश हर साल
अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती का संकल्प तो दोहराते हैं कौमा, पर अमेरिका और चीन जैसे विकसित देश इसमें सहयोग के लिए राजी नहीं होते कौमा, जो कि सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं स्टॉप। छिपी बात नहीं है कि विकास परियोजनाओं और उत्पादन पर जोर तथा कार्बन उत्सर्जन में कटौती दोनों पक्षों में संतुलन बनाना बहुत सारे देशों के लिए संभव नहीं हो पा रहा स्टॉप। यह संतुलन न बिठा पाने का ही नतीजा है कि पर्यावरण प्रदूषण का असर बहुत सारी फसलों पर भी पड़ रहा है स्टॉप। नदियों का जल प्रदूषित होने की वजह से खेतों की उर्वरता नष्ट हो रही है स्टॉप। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का 2/3 हिस्सा भूक्षरण की समस्या से जूझ रहा है स्टॉप। निस्संदेह इस समस्या से पार पाना है कौमा, तो दुनिया के तमाम देशों को इस दिशा में व्यावहारिक पहल करनी होगी स्टॉप। पैरा, पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है कौमा, उसे देखते हुए यह आशंका पहले ही जताई जा रही थी कि इसका असर बाजार में मौजूद सभी जरूरत के सामान पर पड़ेगा ही स्टॉप। अब खुदरा महंगाई का जो ताजा आंकड़ा आया है कौमा, उससे साफ है कि न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें लोगों की पहुंच से धीरे धीरे दूर होती जा रही है कौमा, बल्कि खाने पीने के सामान की खरीदारी को लेकर भी बहुतों को सोचना पड़ रहा है स्टॉप। गौरतलब है कि कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में इजाफे की वजह से थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई की दर मई में बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर 12.94% पर पहुंच गई स्टॉप, जबकि सिर्फ साल भर पहले मुद्रास्फीति 0 से 3.37% नीचे थी स्टॉप। इसके साथ साथ खाने पीने के सामान की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं स्टॉप। खासतौर पर रोजमर्रा के खाने पीने में उपयोग की सबसे जरूरी चीजों के दाम भी बेलगाम होते जा रहे हैं स्टॉप। सच यह है कि इस साल बीते कुछ महीनों से थोक और खुदरा महंगाई की रफ्तार में जिस तरह की तेजी आई है कौमा, उसने आम लोगों के माथे पर शिकन पैदा कर दी है स्टॉप। पैरा, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति की दर 2% की कमी या वृद्धि के साथ 4% पर कायम रखने की जिम्मेदारी दी हुई है स्टॉप। यह व्यवस्था मुख्य रूप से देश की आबादी के उस हिस्से की फिक्र में है कौमा, जिसकी थाली पर बाजार भाव का सीधा असर पड़ता है स्टॉप। लेकिन ऐसा लगता है कि 4% का यह आंकड़ा अब महज औपचारिक दस्तावेजों तक सिमट कर रह गया है स्टॉप। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि खुदरा महंगाई दर मई में उछल कर 6.3% पर पहुंच गई स्टॉप। सवाल है कि जिस दौर में कम से कम रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीजों की कीमतों को नियंत्रण में रखने की जरूरत है, वैसे में आखिर वे कौन सी नीतियां लागू हो रही हैं कौमा, जिनमें महंगाई पर लगाम लगने के बजाय इसमें
और ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। स्टॉप एक और कॉमा, पेट्रोल का दाम कई राज्यों में 100 रुपये प्रति लीटर से पार कर चुका है, तो डीजल भी इसके करीब है। स्टॉप वहीं खाने पीने की लगभग सभी वस्तुओं की कीमतों में बेलगाम बढ़ोतरी ने आम लोगों के सामने बहुस्तरीय चुनौती खड़ी कर दी है। स्टॉप